शारंगदेव। स्वर्गीय पंडित शारंगदेव की अमर कृति संगीत रत्नाकर से सभी संगीत जिज्ञासु परिचित हैं। उन्होंने अपने पहले के सभी ग्रंथों का सार इस पुस्तक में संकलित किया है, इसलिए किसी भी प्राचीन संदर्भ के लिए इसी ग्रंथ की आवश्यकता होती है। सिंह भोपाल, केशव एवं कल्लीनाथ ने संस्कृत में एवं विट्ठल ने तेलुगु भाषा में इस पर टीका लिखी है। यह ग्रंथ मुख्य 7 अध्यायों में विभक्त है। स्वराध्याय, रागाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, तालाध्याय एवं तृतीयाध्याय। प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या और अन्य आवश्यक सामग्री दी गई है। संगीत के सभी तत्वों पर प्रकाश डालने से उसकी सर्वांग विद्वता का परिचय मिलता है। भरत के समान उन्होंने सारणा चतुष्टयी नामक प्रयोग का संपादन तो किया, किंतु उनके समान स्वर वीणा पर नहीं बल्कि श्रुति वीणा पर प्रयोग किया। शारंगदेव ने गंधार ग्राम का विस्तृत वर्णन किया है जो उस समय लुप्त प्राय सा हो रहा था। उन्होंने सभी रागों को 10 वर्गों में बांटा जो 10 विधि राग के वर्गीकरण के नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ दोनों संगीत पद्धतियों का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 13वीं शताब्दी में मानी जाती है। सूत्र शैली में लिखे जाने के कारण कुछ स्थानों को समझना मुश्किल हो गया है और एक के अनेक अर्थ लगाए गए हैं। शारंगदेव के जन्म काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान इनका जन्म 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानते हैं। इनके पूर्वज कश्मीर के निवासी थे जो कुछ कारणवश दक्षिण भारत में जाकर बस गए थे। शारंगदेव के पिता पंडित शोडल दौलताबाद के तत्कालीन नरेश के यहाँ नियुक्त थे। शारंगदेव के प्रतिभावान व्यक्ति होने के कारण उन्हें भी राजाश्रय प्राप्त हो गया। उनकी मृत्यु 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई।